शब्बा दुहाई है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सो हाजिर है दोस्तों आपके सामने ड्रामा सीरियल तेरे बिन की एपिसोड 50 का रिव्यू लेके। जी हाँ, सोचें तेरे बिन की 50 एपिसोड्स हो चुकी हैं और अभी तक मुर्तसिम और मीरब की ज़िंदगी में ना इतनी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई है। सो आपको बताते हैं कि एपिसोड 50 में क्या हुआ, क्योंकि बहुत जल्द हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 51, जिसके अंदर देखेंगे कि क्या वाकई मुर्तसिम मीरब तक पहुँच पाया है या नहीं। लेकिन आपको बताते हैं कि एपिसोड 50 में क्या हुआ है। सो देर न करते हुए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। सो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन की एपिसोड 50। जी हाँ, एपिसोड 50 जो है ना वो काफ़ी अच्छी रही है, मतलब 49 से तो बहुत बेहतर रही है। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर हुई है कि जिस गेस्ट हाउस में मीरब ने चेक इन किया था, वहाँ पे वो अपने दोस्त को कॉल करती है, उससे पैसे वैसे मंगाती है, कपड़े मंगाती है, ताकि एटलीस्ट उसके पास इतना तो हो, क्योंकि वो घर से निकली थी बिना कुछ लिए। मतलब कौन निकलता है इस तरह से, लेकिन हर कंडीशन ऐसी थी तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसा कर जाते हैं, बट बहुत रेयर। लेकिन हर उसकी दोस्त जो है वो उसके लिए चीज़ें भेज देती है, बट उसे ये नहीं पता होता कि कितने अजीब से गेस्ट हाउस में एंट्री ली है उसने। और दूसरी साइड पे मुर्तसिम जो है वो जाता है DSP के पास, उसको कॉल करता है, उसको बताता है कंडीशन कि मुझे किस पर शक है। वो पहले कहते हैं कि रूहेल तो ऐसा नहीं कर सकता, बट सर मुर्तसिम यही समझ आया है कि मीरब जो है वो रूहेल के साथ भाग चुकी है, या रूहेल ने जो है वो उसे किडनैप कर लिया है, तो इसीलिए वो पुलिस को इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मीरब जो है वो कहाँ पर मौजूद है, मतलब वो अपने घर नहीं जाती है, वो गेस्ट हाउस में मौजूद है। ऐसे शेडी टाइप के गेस्ट हाउस में मौजूद है ना, जहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, फाइनली उसकी दोस्त उसको पैसा वैसा भेज देती है। और दूसरी तरफ बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि अनीला की ज़िंदगी जो है ना वो अप एंड डाउन हो चुकी है, और वकास इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बार बार सबको रह रह के वकास की बातें याद हो रही होती हैं। मुर्तसिम को भी याद आता है कैसे उनसे कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी चली गई है, और इसी तरह अनवर को भी ये याद आ रहा होता है कि किस तरह से वो उसे कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लूंगा, तुम स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेते, मुझे पता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ये सारी बातें उन्हें याद आ रही होती हैं। और अनीला को भी याद आता है जिस दिन वो आई थी, उस दिन वकास कितने परेशान थे, और अनीला ने कहा कि नहीं आपने ख्वाब देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वकास सच में बाप थे, और उन्होंने वाकई ही बाप होने का फ़र्ज़ अदा किया है। मतलब इसके अंदर ना वकास ने बिल्कुल भरपूर एक करेक्टर होता है ना वो प्ले किया है। लेकिन वकास की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, मतलब वो ही तो थे जो मीरब के लिए स्टैंड लेते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेते थे, और उनको पता था कि बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। लेकिन खैर अब चले गए हैं, तो अब अनीला अकेली हो गई है। माँ बेगम उसे चलने का कहती हैं, लेकिन वो माँ बेगम के साथ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। काफ़ी कुछ इसमें देखने को नज़र आया इस एपिसोड में, और देखते हैं क्या होगा। दूसरी साइड पर यह हुआ है कि मीरब जिस गेस्ट हाउस में रह रही होती है ना, उस गेस्ट हाउस में छापा पड़ गया। मतलब वो गेस्ट हाउस बहुत ही शैडी टाइप का था, उल्टे सीधे काम हो रहे थे उस गेस्ट हाउस में, इस वजह से पुलिस ने जो है वहाँ पे रेड डाल दी। पहले तो मीरब को पता नहीं था, वो कोशिश कर रही होती है कि किसी तरीके से जो है वो वहाँ से निकल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकल पाती है। उसे भी याद आ रही होती है मुर्तसिम की, रह रह के बस एपिसोड्स में जो पुरानी सीन दिखा रहे होते हैं ना, यही 5 से 10 मिनट ले लेते हैं ड्रामा के हर एपिसोड में आजकल ना, यही दिखा रहे हैं तेरे बिन के। लेकिन हर अगर हम बात करें तो मीरब को ये पता ज़रूर चल गया है कि जिस गेस्ट हाउस में वो मौजूद है वहाँ पे जो है वो कुछ लोग उल्टे सीधे काम करने वाले मौजूद हैं, और इसीलिए जो है वो पुलिस आती है, और पुलिस के जो है वो बाकायदा उसको भी पकड़ के ले जाती है, मीरब को भी। अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि पहले तो वो बचना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि पुलिस की नज़र पड़ जाती है उस पर,
तो वो उसे भी अपने साथ रगड़ लेते हैं कि चलो तुम भी चलो, उसे भी साथ लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि भाई जब उसे लेके जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ से किसी तरह निकल जाए, उसको समझ में नहीं आ रही कि क्या करे वो। तो आसिम महमूद जो है ना वो एज अ रिक्शा ड्राइवर ज़रूर सामने आए हैं। काफ़ी फ़नी पार्ट था, पहले जो है वो बस कंडक्टर थे और बस कंडक्टर के पास एकदम से रिक्शा आ जाना क्या बात है। तो खैर आसिम महमूद जो है यानी जो प्यारे से बस कंडक्टर जो है वो मीरव को पहचान लेते हैं, उनको याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने 500 किराए के लिए जो है कराची आने के लिए उसको सोने की चैन दी थी। तो वो फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको कहता है कि अगर बचना है तो जल्दी से बैठो जल्दी से बैठो। पठानी एक्सेंट जो है आसिम महमूद का काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, बट सीरियसली वो भी आराम से बैठ जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद जो है ना वो उसे इतनी आसानी से छोड़ देता है। और मुझे समझ में नहीं आया इतनी आराम से पुलिस को पता नहीं चला कि मेरा गायब हो गई है, इतने सारे लोगों को तो हमेशा पकड़ के रखती है और इतने सारे लोग भी थे पुलिस के, बट पता ही नहीं चला। खैर अब आसिम महमूद क्या करते हैं, उसको थोड़ा आगे छोड़ देते हैं वहाँ पे, वहाँ से उससे चले जाते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे बाइक वाले आ जाते हैं मेरे को तंग करने के लिए। मेरे भाई इतना भी किसी ने वो नहीं किया हुआ करें, लेकिन खैर यहाँ पे आसिम महमूद फिर उसे बचा लेते हैं उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगा कर, और उसको कहते हैं कि चलो तुम बताओ कहाँ है घर, कहाँ ड्रॉप करूँ। तो वो कहती है भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं कौन सी बंदी या कौन सी लड़की ऐसी है जो घर से निकलने के बाद कुछ लेके ना निकले भाई, मतलब बात तो उसने बिल्कुल पते की है कि कुछ तो लेकर निकलना चाहिए था लेकिन वो कुछ भी नहीं लेकर निकली हैं। तो मतलब अजीब चल रहा है, अब देखेंगे क्या होगा, क्योंकि एक तो एपिसोड्स में लोगों को पुरानी बड़ी यादें आती हैं और दूसरी तरफ मुर्तसिम जो है वो बड़े प्यार से हया को बात करता है, हया इनके रूम में जाती है और इतने आराम से इनके रूम में इसकी इजाज़त होती है जाने की, जबकि वो रूम तो मेरे और मुर्तसिम का है, नहीं जाना चाहिए हया को, लेकिन शायद वो ढूँढ रही होती है कुछ। तो पता चलता है कि जो वो अंगूठी ढूंढ रही है उसको अंगूठी चाहिए वो, क्योंकि अब मेरब तो चली गई है, अब उसे जो है वो हया से को पता है कि अब जो है वो मुर्तसिम से इसका होगा। लेकिन जहाँ पे ये है कि मुर्तसिम बड़े प्यार से हया से बात कर रहा है, भाई अजीब ही है कि ऐसे कैसे कि किसी ने तुम्हारी बीवी को हैरिस किया है और तुम उस बंदी को कुछ कहने के बजाय इतने प्यार से बात कर रही हो, इवन कि वो उसे कहता है कि अंगूठी भी तुम्हारी हो जाएगी। तो हया जो है वो बड़े प्यार से निकल जाती है वहाँ से, खुश हो रही होती है कि चलो जी अब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे चली गई, अब उस अंगूठी पे हया का हक होगा और उसने कहा भी है क्लियरली। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या सच में मुर्तसिम जो है वो हया से शादी कर लेगा और इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मेरब कहाँ चली गई है, और क्या मेरब को वाकई नहीं पता चलेगा कि वकास अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिस बाप से वो इतना प्यार करती थी वो बाप ही नहीं रहा अब इस दुनिया में। खैर ये तो हमें एपिसोड 51 के अंदर पता चलेगा। सो मतलब अभी तक मुर्तसिम को मिली नहीं है और हया जो है वो आराम से अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। मतलब इतनी हमेशा यही होता है कि आजकल के दौर में ना बुरे लोग जीत जाते हैं, अच्छे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। कुछ भी करो लेकिन अच्छे लोगों को ना आगे बढ़ने के चांसेस नहीं दे पाते। जो लोग होशियार स्मार्ट इंटेलिजेंट है, पता है कि हमें कैसे किसको कैसे चलाना है, तो वो लोग हमेशा जीत जाते हैं। खैर ये सच है, फैक्ट है, ऐसा चल रहा है दुनिया के अंदर। लेकिन खैर अब देखते हैं कि मेरा वो मर्द से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत सारी मुश्किलों से बच रही है, ऊपर से उसको पता ही नहीं है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। सो होप आपको हमारे आज ये वीडियो तेरे बिन की पसंद आई होगी, रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है। सो नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे एक और अच्छी अमेजिंग वीडियो के साथ, या फिर तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड यानी 51 एपिसोड का रिव्यू लेकर। तब तक के लिए आपको हमारा इंतज़ार करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।